क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/(x²-9dx). तो इस इंटीग्रेशन को हम सम स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूला के थ्रू से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/(x²-3²dx) और इज इक्वल टू 1/ और ये होगा x+(3)(x-3dx) और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म है वो है x-a(x-b) वाले। तो इसको लिखते हैं a/(x-a)+(b/(x-b)। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं लेट 1/(x+3)(x-3) = a/(x+3)+(b/(x-3) इक्वल टू, और x+3)(x-3) का एलसीएम लेंगे तो यही पार्ट आएगा और इसको डिवाइड करेंगे x+3 से तो इसका न्यूमरेटर होगा ये x-3 और b वाले के साथ होगा x+3 और बोथ साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो ये बचेगा हमारा इक्वेशन। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। नाउ टेकिंग x+3 = 0, अगर इसकी वैल्यू अगर हम इसको 0 लेते हैं तो a की वैल्यू फाइंड होगा, उसी तरह से x-3 = 0 लेंगे तो b फाइंड होगा। सो x = -3 और x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, सो वी गेट 1 = a(-3)-3 और b वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि x+3 की वैल्यू 0 है। सो 1 = a(-6), सो a = -1/6 और उसी तरह से अब हम x-3 = 0 अगर लेंगे, टेकिंग x-3 = 0, सो x = 3 पुटिंग इन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये होगा 1 = इसमें फर्स्ट वाला पार्ट 0 होगा क्योंकि x-3 की वैल्यू 0 है, सो b((3+3), सो 1 = b((6), सो b = 1/6 और अब हम a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/(x+3)(x-3)dx = और a की वैल्यू आया -1/6((x+3)+1/6)(x-3)dx, सो −1/6 × (1/x+3)dx और उसी तरह से इसमें होगा 1/6 × (1/x-3)dx log mod x+3 + 1/6 log mod x-3 + c और इन दोनों में 1/6 कॉमन है और जो प्लस वाला टर्म है उसको पहले लिखते हैं, ये x-3 − log x+3 और इसमें log की प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो ये होगा 1/6 log mod x-3 / x+3 + c, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।